हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस नोट्स। और आज हम 1965 के बाद पाकिस्तान युद्ध के बारे में पूरा संक्षिप्त वर्णन करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उस लड़ाई का नाम है जो दोनों देशों के बीच अगस्त 1965 से लेकर सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि सन 1947 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए दूसरी बार भारत पर हमला किया था, पर भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया व पाकिस्तान को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर कर दिया। अयूब खान, जो कि उस समय पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे, ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। इसके तहत 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के 25 से 30 हज़ार सैनिक कश्मीर के स्थानीय लोगों के कपड़े पहनकर भारतीय कश्मीर में लोगों को भड़काने के लिए घुसे। भारतीय सेना को जब इस बात का पता चला तो तुरंत उन्होंने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया, वह गिरफ्तार कर लिया। 15 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हमला कर दिया। 28 अगस्त तक भारत पाकिस्तानी कश्मीर वाले हिस्से के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था और भारत ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था और ऑपरेशन जिब्राल्टर इससे फैल हो गया था। उधर भारतीय सेना पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद के सिर पर आ पहुंची थी। मुजफ्फराबाद पर से दबाव करने के लिए सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका उद्देश्य कश्मीर के शहर अखनूर पर कब्जा कर कश्मीर का भारत से संपर्क तोड़ना था, ताकि मुजफ्फराबाद के लिए लड़ रहे भारतीय सैनिकों की रसद और संचार व्यवस्था को रोक दिया जाए। 6 सितंबर को लाल बहादुर शास्त्री के आदेश पर पंजाब से नया मोर्चा लाहौर पर कब्जे के लिए खोल दिया और तभी कश्मीर में लड़ रही पाकिस्तानी सेना लाहौर को बचाने चल पड़ी। वह ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो गया। फिर पाकिस्तान ने अमृतसर के असल उतार गांव में बैंकर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान के 200 पेंटन टैंकों में से 100 से भी ज़्यादा टैंक नष्ट कर दिए गए। इसी लड़ाई में भारतीय जवान वीर अब्दुल हमीद ने 3 टैंक तबाह कर शहीद हो गए। हम इस शहीद को सत सत नमन करते हैं। यूएन द्वारा युद्ध को रुकवाने का दबाव आया, फिर 22 सितंबर को युद्ध रोका गया। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में रूस के ताशकंद शहर में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों देशों को नई जीती हुई जमीन एक दूसरे को वापस करनी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, पर इस समझौते के कुछ ही घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री की दुखद मृत्यु हो गई। हम अब लाल बहादुर शास्त्री के साहस व युद्ध जीतने के योजनाबद्ध तरीकों से उनका नमन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य क्वारीज के लिए आप मेरे जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।